अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। ओए मुर्गी बाहर आई हुई है, इसको अंदर डाल पहले, ये पौधे ख़राब करेगी, जल्दी कर यार। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। गाइस आज की इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है आपको, क्योंकि आज हम एक बहुत ही अच्छी चीज़ बनाने वाले हैं। और वो चीज़ जो है आपको मैंने कल बताई थी जैसे पिछली वीडियो में कि हम इन ईंटों से कुछ बनवा रहे हैं। ये ईंटें हैं, वो सीमेंट है और रेत भी है। तो हम जो है यहाँ पर एक बनवाने वाले हैं रूम, यानी कमरा, जिसको खुड्डा भी बोलते हैं पंजाबी में, कबूतरों के लिए स्पेशल बनवाने वाले हैं। क्योंकि गाइस ये जो मिट्टी है ना, इसके अंदर काफ़ी गंद है। ये मिट्टी जो है ना, इसके अंदर ये लोग काफ़ी गंद करते हैं, कीड़े जो पैदा हो जाते हैं और जरासीम है। इस वजह से हमारे बहुत कबूतर बीमार हुए और मर गए। तो अब जो है सीमेंट का बनवाएंगे और उसको कभी कभी मंथ के अंदर अंदर साफ भी कर लिया करेंगे पानी से अच्छे से, उसका कोई टेंशन नहीं होगी, वो ख़राब नहीं होगा। तो अभी जो है मिस्त्री भाई आने वाले हैं, उनसे बात हो गई है, वो आएंगे और यहाँ पर हमें जो है कमरा बना कर देंगे अच्छा सा। भाग भाग, अभी तेरा इम्तिहान है। मुर्गी रुक जा कहीं, पकड़ लिया इसको, यहीं से फेंक देते हैं, चली गई। तो अभी जो है हमें काम करना है वो ये है कि सारे कबूतरों को यहाँ से पकड़ना है और उधर शिफ्ट करना है दूसरे वाले केज में। दरवाज़ा बंद कर, अंदर आ जा। अब सबको एक एक करके पकड़ना है। ये हमारे नए वाले कबूतर, किंग वाले, देखें कितने माशाल्लाह प्यारे हैं। तो अभी जो है इन्हें फ़ौरन सबको पकड़ते हैं और उधर शिफ्ट करते हैं। चल शुरू हो जा। तो ये वाले डंडे भी निकाल लेते हैं, इन्हें बाद में सेट करेंगे इंशाल्लाह। फिर इसके ऊपर बैठ जा ना, तोड़ अभी, रुक जा उधर। तो हमने स्टार्ट कर दिए तोड़ना, थोड़ा बहुत टूट चुका है, देखें इतना का हो गया है। और अभी जो है भाई जो आ रहे हैं मिस्त्री, वो उनको बुलाते हैं जल्दी से, होगा उनके साथ एक और भाई भी होंगे, वही साफ कर देंगे, बाकी साफ हमसे नहीं होता, वो भाई आएंगे वही कर लेंगे। तो गैस अभी मैं जा रहा हूँ एक चीज़ लेने, वो ये है कि जो हम बना रहे हैं ना कमरा, उसकी जो छत है वो हम काने बोलते हैं उन्हें, वो शायद आपने देखे हों कभी, आपको मैं दिखाता हूँ जाके क्या चीज़ है। उस चीज़ से हम छत बनाएंगे और अभी जो है मैं वो चीज़ लेने जा रहा हूँ। तो फटाफट चलते हैं, पहले वो लेके आते हैं ताकि मिस्त्री भाई आएँ तो फटाफट काम शुरू हो जाए। ये है वो चीज़ जिसको काने बोलते हैं उर्दू में, और उर्दू में नहीं सॉरी पंजाबी में बोलते हैं। ये भी हम ले जाएँगे यहाँ से, ये वाली कटवा लेंगे ज़्यादा सी, क्योंकि छत से ये डालेंगे तो ये अच्छी रहेगी।
हमारे कमरे देखें यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अभी थोड़े और बने हैं। ये देखें जैसे एक दो है ना, इस तरह दो और ऊपर बनेंगे, तकरीबन चार या फिर पाँच। सोच रहा हूँ मैं चार कर लूँ या पाँच कर लूँ, वो देखते हैं कितने करेंगे। शायद पाँच करूँ, तो टोटल तकरीबन 45 कमरे बनेंगे। ये नौ इस साइड पर हैं, तो बहुत बड़ी जगह बन जाएगी इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कबूतर आ गए हैं हम इसमें रखेंगे। और इस तरफ भाई लगे हुए सफाई कर रहे हैं, यहाँ की सारी सफाई हो गई है, और थोड़ी बहुत ये सफाई भी होनी है अभी, पहले वो कर लें फिर बाकी सफाई करेंगे। तो गाइस अभी शाम हो चुकी है, तब से मैंने आप लोगों से बात नहीं की क्योंकि मैं किसी काम से गया हुआ था, बहुत टाइम मैं यहाँ पर नहीं था, इसी ने सारा काम करवाया। तो अभी जो है देखें कमरे यहाँ तक तैयार हो चुके हैं, कल जो है थोड़ा काम करेंगे, बाकी भाई लोग अभी चले गए हैं क्योंकि रुक नहीं थे रहे। मैंने बहुत फोर्स किया, मैंने कहा आप लोग यहीं पर रुकें, खाना वाना हमारे साथ खाएँ, पर कोई नहीं रुक रहे थे, कह रहे थे नहीं यार हमें घर जाना है। तो देखें गाइस माशाल्लाह ये अभी तो आपको अच्छे नहीं लग रहे होंगे, कल जब इनके और काम होगा ना, जब इस पर प्लस्तर होगा, इस पर फिर हम पेंट भी करेंगे, तब ये बहुत ही प्यारा लगेगा। और अभी ये तीन कमरे हैं ना, यहाँ पर चार बनेंगे, एक ऊपर और फ्लैट आएगा, इसको फ्लैट ही बोलते हैं। तो अभी जो है तोड़ दिया, अभी इससे गली डंडा खेलो। चलो ठीक है, अभी जो है ना एक काम है वो ये है कि यहाँ की सफाई थोड़ी बहुत करनी है, वो कुछ भाई आए थे उन्होंने भी कर ली थी, पर अभी थोड़ी बहुत सफाई हम भी करेंगे। यहाँ पर देखें वो लाइट्स भी ख़राब थी ना, वो भी मैंने ठीक करवा ली, और कबूतर बेचारे आज यहाँ पर रात गुजारेंगे लवारसों की तरह। और गाइज हम एक और चीज़ सोच रहे हैं, वो ये है कि यहाँ पर जो है एक छत आ जाए इस एरिया में, और यहाँ पर जो है एक और केज बन जाए। तो केज के लिए हमारे पास मटेरियल पूरा, एक यहाँ पर कुछ मटेरियल पड़ा, कुछ वहाँ पर भी सेव है, तो हमें और मटेरियल लाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो है भाई वेल्डर को बुलाएंगे और यहाँ पर एक दरवाज़ा बना देंगे वो हमें, और ये भी एक मुकम्मल बना हुआ केज है। तो आप हमें बताइएगा कि हम यहाँ पर कौन सी चीज़ रखें, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, तो इसको भी इंशाल्लाह बनवाएंगे। टर्की बर्ड्स रखेंगे, क्या होता है क्या चीज़ टर्की बर्ड्स, या तो यहाँ पर टर्की बर्ड्स रखेंगे या फिर कोई और चीज़ रखेंगे, आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि हम क्या रखें यहाँ पर। तो गाइज उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, प्लीज़ यार सपोर्ट दिखाइए। हम इंशाल्लाह बहुत मज़े के ब्लॉग्स आइंदा आने वाले हैं, उनको मिस नहीं करना आपने। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।